रही टुडे आवर टॉपिक इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में सबसे पहली बात हम देखेंगे कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या और ये क्यों ज़रूरी है जितने भी एनिमल्स हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं इसमें हर सेल को अपने फंक्शन के परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन और एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज़ की फॉर्म में अब ये जो मटेरियल हैं हर सेल को चाहिए होते हैं इसके लिए एक सिस्टम होता है प्रॉपर क्योंकि हर सेल तक डुफिन के ज़रिए से मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते उसके लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है क्योंकि लिविंग आर्गेनिज्म जितने भी एनिमल्स हैं एनिमल्स के मल्टी सेलर होते हैं हर सेल का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू वालो तो लिहाज़ा हर सेल तक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेसिफ़िक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है और वो किस तरीके से डिफरेंट मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन करता है इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स क्या है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पहली करैक्टरस्टिक्स ये है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम मटेरियल को मैस फ्लो करता है यानी कि एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है जहां वो यूटिलाइज हो और वहां से प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करवाने के लिए स्पेसिफ़िक आर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है अगर यूरिया है तो उसको किडनी तक लेके जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे लंग्स तक लेके आएगा तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तीन बेसिक कंपोनेंट होने चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक सर्कुलेटरी फ्लूड है बाज़ में हीमोलियम होता है बाज में ब्लड होता है ऐसा फ्लूड जिसके ज़रिए से जो एक विकल का काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह करता है उस फ्लूड का होना लाजमी है दूसरा है कंट्रेक्टाइल पंपिंग डिवाइस होनी चाहिए जो जब कंट्रेक्ट हो तो उसकी वजह से उसकी पंपिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन हो फूड की या ब्लड की पूरी बॉडी के अंदर और तीसरा है कि इसके अंदर ट्यूब्स होनी चाहिए या जो जिन्हें ब्लड वेसल्स भी हम कहते हैं और इसके अलावा डायलेटेड ट्यूब्स या साइंसिस वगैरह भी हो सकते हैं जिसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल तो लिहाजा एक फ्लूड होना चाहिए पंपिंग डिवाइस होनी चाहिए और ट्यूब्स होनी चाहिए या ब्लड वेसल्स होनी चाहिए जिसके जरिए से मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो अब सर्कुलेटरी सिस्टम को टू मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आथ्रोपोर्ट्स में पाया जाता है इंसेक्ट्स वगैरह में मोलस्का में प्रोटोकॉटेट में यानी कि ये इनवर्टिब्रेट में ज़्यादातर पाया जाता है और लोअर वर्टिब्रेट में पाया जाता है जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये हायर इनवर्टिड जिस तरह एनी है है और वर्टिब्रेट्स ये हायर एनिमल है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अब देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है कंपैरिजन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कंपैरिजन आता है इसमें तो कंपैरिजन देखेंगे कि ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कंपैरिजन है डिफरेंस है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसका नाम ये जाहिर करता है कि ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर इनक्लोज नहीं होता यानी कि ये जो सर्कुलेशन होती है इसमें हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं रहता बल्कि ये जो नीचे डायग्राम बनी है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की इसमें भी ये शो हो रहा है कि ये हार्ट की स्ट्रक्चर है हार्ट से ब्लड पंप होकर ब्लड वेसल्स में जा रहा है और ब्लड वैसल से ये ओपन हो रहा है ब्लड वेसल आगे ओपन हो रही हैं साइंसिस में साइंस कहते हैं गड़ों को फ्री स्पेस को या सराउंडिंग आर्गन्स यानी कि जो सराउंडिंग डिफरेंट बॉडी के आर्गनस हैं स्टोमिक वगैरह या गट उसके इर्द गिर्द जो साइंस हैं गड़े हैं कैविटीज़ हैं या फ्री स्पेस हैं उनके अंदर ब्लड इंटर होगा और जो मटेरियल उसके पास है फूड और ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट करेगा और वहाँ से ही मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ से साइनस से कलेक्ट करेगा तो ये ओपन हो जाते हैं टिश्यू स्पेस के अंदर जाके यानी कि ब्लड जो है वो इन डायरेक्ट कंटेक्ट आ जाता है टिश्यूज़ के जबकि इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें आप देख सकते हैं कि हार्ट है हार्ट से ब्लड पम्प हो ब्लड वेसल्स में जा रहा है ब्लड वैसेल से स्मॉल ब्रांचेस में जा रहा है जिन्हें कैपिलरीज भी कहते हैं उन कैपिलरीज में जब पहुंचेगा तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगी मटेरियल की यानी कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रहेगा लेकिन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फूड ट्रांसपोर्ट करेगा और वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके ले आएगा और ये फिर कैपिलरीज से आगे वेंस में जाके फिर दोबारा हार्ट में आ जाता है तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड तो है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जबकि वो अगर ब्लड वेसल से निकल के टिश्यू स्पेस में चला जाए डायरेक्टली सेल को बात करे तो वो क्लो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड बात करता है टिश्यूज़ को यानी इनडायरेक्ट कंटैक्ट होता है टिश्यू के जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इनडायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता जबकि वो कैपिलरीज के जरिए से कंटेक्ट में होता है तो पहले जो मेन डिफरेंस है वो ये आगे कि ब्लड डज नॉट रिमेन इन ब्लड वेसल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वैसल के अंदर नहीं रहता बल्कि साइनस के अंदर चला जाता है और इनडायरेक्ट कंटैक्ट विद सेल होगा जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड रिमेन्स इन ब्लड वेसल्स एंड इन नॉट इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद सेल्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अंदर स्पेसिफिक टिपिकल आर्टरीज कैपिलरीज नहीं होती जिस तरह हमारी आर्टरीज़ ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाने के लिए होती हैं वेंस वापस हार्ट की तरफ लाने के लिए होती हैं इस तरह इसमें नहीं होती इसमें हीमोलिम्फ जो है हीमोलिम्फ जो फ्लूड है जिस तरह हमने कहा था सर्कुलेटरी फ्लूड ये हिमोलिफ होता है वो कैविटीज़ एंड सैनसेज के जरिए से ट्रांसप्यूट होता है ट्रांसपोर्ट होता है अराउंडल एंड नर्व कार्ड ये हम विजरा कहते हैं आर्गन को नर्व कार्ड यानी कि उसका जो नर्वस सिस्टम है उसके एक गिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटरकोनैक्टिव सिस्टम ऑफ आर्टरीज वेंस एंड कैपिलरीज होता है जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज वेंस और कैपिलरीज ह्यूमन की भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके बाद इसका डिफरेंस है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मटेरियल जो है न्यूट्रिएंट है फूड है ऑक्सीजन है ये उस वक्त ट्रांसफ एक्सचेंज होते हैं एक्सचेंज से हम है कि जो यूज़फुल मटेरियल है वो सेल को देंगे और सेल से वेस्ट मटेरियल वापस ब्लड में आएगा तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट उस वक्त होता है जब ब्लड डायरेक्टली बात कर रहा होता है टिश्यू को यानी इनडायरेक्ट कंटेक्ट होता है जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट उस वक्त होते हैं जब ये टिश्यू फ्लूड कैपिलरीज में से गुज़रता है कैपिलरीज से गुज़र के तो टिश्यूज़ में जाते हैं फ्लू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होती इसके लिए अलग से ट्रैकल सिस्टम होता है अलग से ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन उन नालियों के ज़रिए वो आउटवर्ड द बॉडी ओपन होती हैं और बॉडी से बाहर से ऑक्सीजन कलेक्ट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसिफिक वेसल्स के ज़रिए से या ट्यूब्स के जरिए से एक्सचेंज करती है उसे कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसेस जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ब्लड के जरिए से ट्रांसपोर्ट होती है इसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते हीमोग्लोबिन वगैरह इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होगा और न्यूक्टिड वाइट ब्लड सेल होंगे जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होगा और न्यूकलीटिड वाइट ब्लड सेल होंगी सबसे बड़ा जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो ये है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रीमिटिव है जब दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम एनिमल्स की एवोल्यूशन हुई तो उस वक्त सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था ये लेस एफिशिएंट होता है डज़ नॉट मेंटेन ब्लड प्रेशर इसलिए ब्लड का प्रेशर मेंटेन नहीं करता क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहता बल्कि वहाँ से निकल के साइंसिस में चला जाता है जिसकी वजह से प्रेशर मेंटेन नहीं रहता जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एडवांस है ग्रेटर एफिशिएंसी है और इसके अंदर ब्लड का एक प्रेशर मेंटेन रहता है जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में उन्होंने काक्रोच की एग्जाम्पल दी है नीचे डायग्राम में आपको नज़र आ रही है कि काक्रोच में थर्टीन चैम्बर ट्यूबुलर वेसल्स होती हैं इन पैरिकार्डियल साइनस पेरीगार्डियल साइनस से मुराद है कि इसके कार्डियम का जो एक फ्री स्पेस है एरिया है उसे कहते हैं पेरी साइनस के अंदर थर्टीन चैम्बर हार्ट होगा इन पेरीगार्डियल साइनस इन मिड डार्सल रीजन बिलो टेरगा इन एबडोमिन इसके ये हार्ट के चैम्बर एबडोमिन वाले रीजन में नजर आ रहे हैं टेरगा के बिहाइंड यानी कि इस ये जो आपको चैम्बर्स ऑफ हार्ट लिखा हुआ है एंड पे नजर आ रहा है इसके सामने टेरगा एक स्ट्रक्चर होती है टेरगा से बैक साइड पर होते है। इसके अलावा जो इन्होंने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जाम्पल दी है वो अर्थ फॉर्म की दी है ये अर्थ फॉर्म के, के अंदर फोर टू फाइव फोर और फाइव पेयर्स ऑफ लेटरल हार्ट ऑन लेट साइड ऑफ इस ये सामने हमें लेटरल हार्ट्स नजर आ रहे हैं फोर टू फाइव होते हैं इसके अंदर ये जो है ये ईसोफेगस से लेटरल होती है यानी सेंटर में ईसोफेगस हो कि उसकी लेटरल साइड पे होंगे किनारों पे होंगे इसका काम ये है कि ये ब्लड को पंप करते हैं फ्रॉम डार्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल वेंट्रल ब्लड वैसल वो होती हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सामने होती हैं और डार्सल जो बैक पे होंगी उसमें ये ब्लड पंप करेंगे ज़ाहिर हार्ट है तो इसका काम यही है कि बॉडी के बोथ साइड पे वेंट्रल और डार्सल साइड पे ब्लड को पंप करना तो इसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की क्रोच की फर्दर अगर हम उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो इसमें ट्यूबुलर डार्सल सिस्टम एक्सटेंडिंग थोरेसिक एंड रीजन फ्रॉम एरोटा एयोटा जो है इसका थर्टीन चैम्बर हार्ट तो इसका बिलो है चैम्बर ऑफ हार्ट इससे आगे की तरफ हम आए तो एलरी मसल है एलरी मसल से ऊपर इंटीरियर एयोटा है इंटीरियर एयोटा जो है ये इंटीरियरली ओपन होता है हिमोसिल में यानी कि उस फ्री स्पेस में बाई फनल शेप स्ट्रक्चर ये इसके इंटीरियर एयोटा के आगे फनल शेप स्ट्रक्चर होती है जिसके ज़रिए से वो हेड पोर्शन को फूड मटेरियल सप्लाई करता है जबकि अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें अर्थ पॉम्प की तो इसमें तीन लॉन्ग नल वसल होती हैं जो बॉडी के अलॉन्ग रन कर रही होती हैं एक डार्सल है जो बैक साइड पर होती है वेंट्रल फ्रंट साइड पर होती है और सब न्यूरल होती है ये तीन इनके जरिए से ब्लड सप्लाई होती है अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें फ्लो ऑफ ब्लड की डायरेक्शन दी है कि सबसे पहले हार्ट ब्लड को पम्प करेगा पम्प करने के बाद एवोटा में चला जाएगा एवोटा के बाद हीमोसिल इन हेड हेड पोर्शन में एक फ्री स्पेस होती है उसे हिमोसल कहते हैं उस हिमोसल के अंदर चला जाएगा ब्लड और पेरीविजरल पेरीविजरल होता है के विजरा कहते हैं आर्गनस को आर्गन के इर्द गिर्द एक फ्री स्पेस होती है उसे पेरी विजरल साइनस कहते हैं और पेरिकार्डियल साइनस जो हार्ट का रीजन होता है उसके इर्द गिर्द जो फ्री स्पेस होती है उसे पेरीकार्डियल साइनस कहते हैं वहाँ से हार्ट में जाएगा तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि इसमें गट बना हुआ है यानी विजरा है आर्गनस हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के इसके इर्द गिर्द जो जगह है इसको लिखा हुआ है पेरीविजरल पेरीविजरल साइनस में आएगा हार्ट या ब्लड को पम्प करेगा तो पेरीविज साइनस में पेरी साइनस पेरी पेरी से पेरीकॉडियल साइनस में आएगा पेरीकॉडियल साइनस से फिर हार्ट में जाएगा तो ये इसकी सर्कुलेशन है कि हार्ट से एरोटा में एरोटा से हेड पोर्शन में चला जाएगा हिमोसिल में फिर पेरीविजरल साइनस में और पेरीकार्डियल साइनस में पेरीविजरल साइनस से मुराद ये है कि तमाम विजरा को आर्गन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के बाद ये हार्ट के साइनस में चला जाएगा वहाँ से फिर ये हार्ट को सप्लाई करेगा इस तरह ये सर्कुलेशन दोबारा से रिपीट होती रहेगी अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अर्थ फॉर्म है अर्थ फॉर्म में डार्सल वेसल्स हैं ये ब्लड लेती है फोर्टीन सेगमेंट से यानी फोर्टीन सेगमेंट और उससे जो बिलो सेगमेंट है उनसे ये डार्सल पोर्शन को यानी बैक व साइड वाले पोर्शन को ब्लड सप्लाई होता है जबकि फर्स्ट थर्टीन है जो ये इंटीरियर पोर्शन को भी सप्लाई करेंगे ब्लड और हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करेंगे तो फर्स्ट थर्टीन इंटीरियर पोर्शन और हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगे और जबकि फोर्टीन है वो ये काम करेगी फोर्टीन सेगमेंट से लेके अप टू एंड वो उनका काम ही होगा यानी कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट थर्टीन और थर्टीन से अबव तो फर्स्ट थर्टीन इंटीरियर पोर्शन और हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगे और रिमेनिंग जो है वो डार्सल पोर्शन या बैक साइड में हार्ट ब्लड सप्लाई करेंगे तो इस तरह ये जो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंसेस हैं ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी बुक में एंड पर डायग्राम भी बनी हुई है उस डायग्राम को भी जेन में रखिएगा उस पहले डायग्राम में स्ट्रक्चर्स देख के तो फिर उसको एक्सप्लेन कीजिएगा अल्लाह हाफिज़ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अल्लाह हाफिज़